सो गाइस, ये है बिना नी की वेबसाइट। इसमें हम घर बैठे प्रेडिक्शन करके पैसा कमा सकते हैं। ग्रीन बटन का मतलब है बढ़ेगा और रेड बटन का मतलब है गिरेगा। सबसे खास बात यह है कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए भी डिपॉजिट कर सकते हैं। एक क्लिक में हम पैसा इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, एक क्लिक में हम हमारा पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपके सामने एक लाइव प्रेडिक्शन करेंगे जिसमें 1000 अमाउंट का भी बेट रहेगा। और बता दे, ग्रीन बटन पे क्लिक करने से आपके जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पे प्रेडिक्शन कर लिया है और 2 सेकंड के अंदर वाओ गाइस, आप देख सकते हैं हम जीत गए हैं 9990 रुपए, यानी कि कुल 700 रुपए का हमारा फायदा हो चुका है, जो कि इंस्टेंटली विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो और जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए साइनअप कीजिए, प्रेडिक्शन कीजिए और पैसा कमाइए। दो साइंटिस्ट बार बार धोखे से लोगों को चांद पर हीरो की तलाश में भेज रहे थे, लेकिन इस बार भोलू उन दोनों साइंटिस्ट को ही रॉकेट में बिठाकर चंद्रमा की तरफ रवाना कर देता है। अरे मर गए रे, इस कंबख्त भोलू ने तो हमें ही धोखे से इस रॉकेट में बिठा दिया। वहाँ चंद्रमा पर वो चुड़ैल और वो दोनों भूत हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। कुछ करो भाई, अगर आज तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम फिर से किसी भोले भाले इंसान को अपने लालच की वजह से चंद्रमा पर मरने के लिए भेजोगे। अरे भाई वो देखो, हम चंद्रमा पर पहुंचने ही वाले हैं। आओ साइंटिस्टों आओ, आखिरकार तुम चंद्रमा पर पहुंच ही गए। जरा बाहर तो आओ, देखो यहाँ कितने सारे हीरे बिखरे हुए हैं। हे भगवान, ये सारे भूत तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। अब क्या करें भाई, हम ज्यादा दिनों तक इस रॉकेट में नहीं रह सकते, हमारे पास खाने पीने का भी कोई सामान नहीं है, क्या करें? फिर 2 दिन तक वह उसी रॉकेट में बैठे रहते हैं। फिर भूख प्यास की वजह से उनकी हालत खराब हो जाती है। हाय, अगर हम इस रॉकेट में 1 दिन भी और रुके तो वैसे ही मर जाएंगे। बाहर चलकर इनसे माफी मांग लेते हैं। अरे मर गए रे, इसने तो मेरी टांग ही काट खाई। अरे मर गए रे, अब बहुत दर्द हो रहा है। आज तो मजा ही आ गया, बहुत दिनों के बाद इंसान का मांस चखने को मिला है। हमारी भूत बिरादरी में तुम्हारा भी स्वागत है। अरे तेरा नाश मिटे, हमें भी अपने जैसा भूत बना दिया, अब हम क्या करें इस पंजर चंद्रमा पर? कुछ दिन बीत जाते हैं। भाई मैं अब और इस चंद्रमा पर नहीं रह सकता, यहाँ तो जिंदगी नर्क से भी बदतर है। उस भोलू की वजह से हमारी ये हालत हुई है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर एक दिन एक मनचला उसी जंगल से गुजर रहा होता है। अरे ई का है, ये तंबू यहाँ क्या कर रहा है? चलो जरा नजदीक जाकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। फिर बिट्टू कैंप में घुस जाता है। अरे ई लाल बटन किस चीज का है, इसे दबा कर देखता हूँ। फिर जैसे ही वो लाल बटन को दबाता है तभी रॉकेट के इंजन चालू हो जाते हैं। अरे ये कैसी आवाज है भाई, अरे भाई जल्दी चलो, लगता है किसी ने धरती से उस रॉकेट का बटन दबा दिया है। अरे भागो रे भागो, हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। फिर वह दोनों साइंटिस्ट जल्दी से भागकर उस रॉकेट में बैठ जाते हैं। अरे लल्लन भाई, ये शोर कैसा है, वो दोनों साइंटिस्ट कहाँ गए? आखिरकार ये रॉकेट उड़ कैसे गया? अगर ये दोनों भूत पृथ्वी पर पहुंच गए तो बहुत से मासूम लोगों को अपना शिकार बना लेंगे। अरे बच गए रे, अरे काली अब तेरा क्या होगा, अब तू जिंदगी भर यही चंद्रमा पर सड़ता रहे, हम तो चले अपने घर वापस। अब वक्त आ गया है उस भोलू से बदला लेने का, उसी की वजह से हमारी ये हालत हुई है। ए भोलू, हम आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर में वह रॉकेट वापस धरती पर पहुंच जाता है। चलो अब इन गांव वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। फिर वो साइंटिस्ट गांव में घुस जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो भूत है, अरे भागो रे। अरे गांव वालों, भूतों ने गांव पर हमला कर दिया है, कोई भी अपने घर से बाहर मत निकलना। अरे भागो रे भागो। अरे मर गया रे, इसने तो मुझे काट खाया, हाय बहुत ही दर्द हो रहा है। सब गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। अरे भालू कहाँ छुप कर बैठा है, जल्दी बाहर निकल। अरे मर गए रे, ये नास मिटे साइंटिस्ट वापस कैसे आ गए? अजी ये तो भूत बन गए हैं, अब क्या करें?
लगता है किसी ने गलती से रॉकेट को वापस बुलाने वाला बटन दबा दिया है। हमें कुछ करना होगा। अजी देखिए ना, ये जिस किसी को भी अपना शिकार बना रहे हैं वो भी इनके जैसा ही बनता जा रहा है। अरे कहाँ छुप कर बैठे हो, जरा बाहर तो निकलो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी बाहर निकल। अरे मर गया रे भगवान, ये तुम्हारे मायके वाले इतनी रात गए कहाँ से आ गए? अरे मर गए रे, कहाँ छुपूं? अरे अगर इन्होंने दरवाजा तोड़ दिया तो हमारी शामत आ जाएगी। हे भगवान हमारी रक्षा करो। हम इंसान इन भूतों का मुकाबला नहीं कर सकते। इन भूतों का मुकाबला करने के लिए हमें भूतों की ही जरूरत पड़ेगी। अजी मुझे लगता है इन भूतों को देखकर आपको कोई सदमा लग गया है, जो ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अब आप और भूत कहां से लाओगे? लीला तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो, मैं अभी आता हूँ। फिर इतना बोलकर भोलू सीधा जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है और उस कैंप में पहुंच जाता है। वहां वो रॉकेट खड़ा होता है। वो उस रॉकेट को वापस चंद्रमा पर भेज देता है। फिर कुछ ही देर में वो रॉकेट चंद्रमा पर पहुंच जाता है। अरे लल्लन भाई, वो देखो, वो रॉकेट वापस आ गया है, जल्दी चलो। कालिया भाई, यहाँ पृथ्वी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वो दोनों साइंटिस्ट भूत बनकर यहाँ आ गए हैं और गांव वालों को अपना शिकार बना रहे हैं। हम इंसान उनका सामना नहीं कर सकते। तुम घबराओ नहीं भोलू, हम भी वापस धरती पर आ रहे हैं। ठीक है कालिया भाई, तुम जल्दी आ जाओ। फिर भोलू रॉकेट को वापस बुलाने वाला बटन दबा देता है। फिर कुछ ही देर में वो रॉकेट पृथ्वी पर पहुंच जाता है। भोलू वहां से भागकर वापस अपने गांव पहुंच जाता है। ए, तू वही है ना जिसने हमें धोखे से चंद्रमा पर भेजा था? अब तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे ना स्मिटी, तूने भी तो हमें विदेश यात्रा का धोखा देकर चंद्रमा पर मरने भेज दिया था। इतनी जल्दी भूल गया क्या? तुम्हारे जैसे के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अरे भगवान, ज्यादा शक्तिमान मत बनो। अगर ये दरवाजा तोड़ कर अंदर घुस गए तो सबसे पहले तुम्हें ही खाएंगे। फिर मुझे मत बोलना, इन्हें ज्यादा उकसाओ मत। ए साइंटिस्ट, बस बहुत हो गया। तुमने इन भोले भाले गांव वालों को अपना शिकार बनाकर अच्छा नहीं किया। फिर उन सारे भूतों की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो चुड़ैल उन भूतों को उठा उठा कर फेंकने लगती है। लगता है तुम भूल गए हो कि हम भी तुम्हारी तरह एक भूत ही हैं। तुम हमें जान से नहीं मार सकते। हे भगवान, अब हम क्या करें? इनका अंत कैसे करें? हम चाह कर भी इन्हें मार नहीं पाएंगे। मेरे पास एक तरकीब है, चलो हमें अभी इन्हें पकड़ना होगा। फिर वह तीनों मिलकर भूतों को पकड़ लेते हैं। ए छोड़ मुझे, चाकर भी मुझे जान से नहीं मार सकती। अरे कालिया भाई, आखिर इन्हें इस तरह पकड़कर क्या हासिल होगा? कुछ ही देर में सूरज निकलने वाला है, ये सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जल के राख हो जाएंगे। अरे मूर्ख, तू ये भी भूल गया कि तू भी एक भूत ही है। हमारे साथ तू भी जल कर राख हो जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इस मानव जाति की रक्षा करने के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। लल्लन, तुम चुड़ैल को लेकर वापस उस रॉकेट में चले जाओ। इन सब भूतों को मैं रोके रखता हूँ। तुम दोनों को अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं कालिया भाई, तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ के जाऊँगा? कोई बात नहीं दोस्त, अगर दोस्ती की है तो उसे निभाऊंगा भी जरूर। एक साथ जिए हैं और एक साथ ही मरेंगे। अरे मेरी रानी, तुम्हें हमारी वजह से अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। तुम तो अच्छी भली चंद्रमा पर रह रही थी, हम इंसानों के लालच की वजह से तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ गई। तुम जाओ, उस रॉकेट में बैठ जाओ। नहीं राजा जी, मैं चुड़ैल हूँ, लेकिन रिश्तों की अहमियत जानती हूँ। कोई बात नहीं,
अगर मेरी जान के बदले हजारों गांव वालों की जान बचती है तो मैं भी अपनी जान देने को तैयार हूँ। अरे भाई, ये कमबख्त सब के सब तो अपनी जान देने को उतारू हैं। ये जरूर हमें भी अपने साथ लेकर मरेंगे, अब हम नहीं बचने वाले। फिर देखते ही देखते सूरज निकल आता है और वो सब के सब जलने लगते हैं। मर गए रे! हाय, कोई मुझे बचाओ! हाय, मर गया! अलविदा मेरे दोस्त, मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि अगले जन्म में भी मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिले। अलविदा चुड़ैल जी, तुम्हारी कुर्बानी ये इंसान जन्मों जन्मों तक याद रखे। फिर इसी तरह सब के सब भूत जलकर राख हो जाते हैं। अगर आपको इस स्टोरी का अगला पार्ट देखना है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। Trading platform, B-Nanny. Platform with license, B-Nanny. Big earnings, B-Nanny. Payouts on Paytm, B-Nanny. Click and trade with B-Nanny. B-Nanny is platform of the future.